को, और तो मजेदार कुछ कलेक्शन के साथ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेयर वॉज इलियट बॉर्न गाइज, इलियट का जन्म कहाँ हुआ। यस, ऑप्शन ए लेक्सिंगटन मैसाच्यूसेट्स में, जेफरसन सिटी मिसौरी में, न्यू बेडफोर्ड मैसाच्यूसेट्स में, या सेंट लुइस मिसौरी में। गाइज आपको बताना है कि इलियट का जन्म स्थान क्या है। गाइज तो टीएस एलियट कहाँ पे जन्म लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं कहाँ पे जन्म हुआ है उनका, एक बार देखते हैं। यस, इसको आइए शुरू करते हैं। राइट, यस एंड बिल्कुल सही गाइस, टीएस एलियट वाज बॉर्न है, हमने पढ़ाया हुआ है दोस्तों, सेंट लुइस मिसौरी में उनकी उनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यस विच प्रिपरेटरी स्कूल डिड एलियट अटेंड। दोस्तों याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा प्रिपरेटरी स्कूल। दोस्तों प्रिपरेटरी स्कूल क्या होता है, जिसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकते हैं। कौन से प्रिपरेटरी स्कूल को अटेंड किया था एलियट ने। ऑप्शन ए वॉशिंगटन अकेडमी, जेम्स अकेडमी, स्मिथ अकेडमी, विलियम्स अकेडमी। गाइस कौन से प्रिपरेटरी स्कूल को अटेंड किया था किसने, एलियट ने। गाइस इसको, यस ओके, यस चलिए मैं आपके आंसर भी देख ले रहता हूं दोस्तों साथ ही साथ। यस कैसे हैं मेरे बच्चों बताएं। यस 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 एंड दिस इज गाइज, यस सीफ चेन्नई इज द राइट आंसर, स्मिथ एकेडमी इज द राइट आंसर। इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कॉलेज डिड एलियट अटेंड। गाइज याद करिए, एलियट ने किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। गाइज येल यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, आर्टमाउथ से, या हार्वर्ड कॉलेज से। तो किस कॉलेज से दोस्तों एलियट ने अपनी पढ़ाई की, येल, कोलंबिया, आर्ट आर्ट माउथ, या फिर दोस्तों हार्वर्ड। यस ओके, तो आपको बता दें दोस्तों एलियट ने वास्तव में पढ़ाई कहां से की। यस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इसको हार्वर्ड कॉलेज था इनफैक्ट। द पोएम आइए एक बार देखते हैं, पढ़ाया हुआ है आपको। द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1915 एट द रिक्वेस्ट ऑफ विच अदर पोएट। गाइज क्या एलियट की दोस्तों प्रसिद्ध पोएम, दोस्तों क्या जबरदस्त लाइनें हैं, लेट अस गो देन यू एंड आई, व्हेन इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट स्काई लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। दोस्तों यह किसके रिक्वेस्ट पे दोस्तों 1915 में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए विलियम कार्लोस विलियम्स, वॉलेस स्टीवेंस, इजरा पाउंड, कार्ल सैंडबर्ग। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इजरा पाउंड एक प्रकार से उनके लिटरेरी गुरु थे, और उनसे दोस्तों बहुत समय तक बहुत ही इमेजिस्ट पोएट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। द राइट आंसर क्या, यस ऑफ कोर्स इजरा पाउंड इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इलियट रोट एस वेडनेसडे। आइए दोस्तों एलियट का दोस्तों अचानक ही एलियट की पोएट्री का टर्न थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, जो कि शुरू में दोस्तों वो रिलीजन को पोएट्री से अलग रख रहे थे, पर बाद में रिलीजियस एलिमेंट्स आते हैं। क्या एलियट रोट एस वेडनेसडे अ फ्यू इयर्स आफ्टर हिज कन्वर्सन टू व्हाट रिलीजन। दोस्तों किस धर्म का अपनाने के बाद एस वेडनेसडे आता है दोस्तों। ऑप्शन ए ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है उनके लाइफ की। ऑप्शन ए जेविस, प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, मॉर्मन। यस ओके, यस और हम सब जानते गाइज 1927 में एलियट ने दोस्तों क्या किया, एंग्लिकनिज्म, रोमन कैथोलिक नहीं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा,
एंग्लो कैथोलिक, उन्होंने कहा था आई एम रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन. सो द राइट आंसर इज गाइस एंग्लिकन, एंग्लिकन रिलीजन, एंग्लिकनिज्म, यू कैन से लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इजरा पाउंड. आइए दोस्तों देखते हैं, इजरा पाउंड ने दोस्तों एलियट को एक निक नेम दिया था. बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है. इजरा पाउंड गेव एलियट अ निक नेम विच ही यूज्ड द पार्ट ऑफ टाइटल फॉर अ बुक ऑफ पोएट्री फॉर चिल्ड्रन. व्हाट वाज हिज निक नेम दोस्तों? कह रहा क्या कि एलियट को दोस्तों इजरा पाउंड ने एक नाम दिया था, एक निक नेम दिया था दोस्तों, जो कि बाद में उन्होंने अपनी बच्चों की पोएट्री के कलेक्शन को भी वही नाम दिया. वो नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए ओल्ड पॉसम, ऑप्शन बी इट्स अ फ्रेल मंगूज, इट्स सोलन वीवर या ब्लाइंड विजन. तो एलियट ने दोस्तों के को इजरा पाउंड ने कौन सा निकनेम दिया था गाइज? यस, एंड गाइज द राइट आंसर इज ओल्ड पॉसम. दोस्तों सही उत्तर है क्या? सही उत्तर है ओल्ड पॉसम. इसको याद रखिए गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार फैक्ट रहा. आई इसको यस आई. नेक्स्ट, विच फिलोसफर इज मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ एलियट्स डॉक्टोरियल थेसिस विच इज सेंट टू हार्वर्ड. दोस्तों क्या आपको बताना है दोस्तों कि जो पीएचडी अपनी की फिलोसफी पे और साइकोलॉजी से फिर जुड़ी जो उनकी पीएचडी थी वो किस फिलोसफर पे आधारित थी? ऑप्शन ए एफ एच ब्रेडली, थॉमस हिल ग्रीन, जॉर्ज हेगल, बर्नार्ड बोसंकट. तो एलियट की दोस्तों पीएचडी किस विद्वान से जुड़ी हुई थी? गाइज मैंने आपको ये बताया भी है, आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बायोग्राफी में पढ़ाया हुआ है गाइज. यस एंड गाइज द राइट आंसर इज एफ एच ब्रेडली गाइज, जो कि अपने जमाने की बहुत बड़े फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट दोनों थे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ एलियट्स पोएम डिड ही एक्चुअली एक्ट एज अ माइनर रोल इन द रिमेक ऑफ अ प्ले. दोस्तों एलियट की देखते हैं, यस, इन विच ऑफ द एलियट पोएम्स डिड ही एक्चुअली एक्ट एज अ माइनर रोल इन द रिमार्क एज अ प्ले, रिमेक एज अ प्ले. दोस्तों कौन सा एलियट का पोएम था दोस्तों जिसने एक प्ले के रिमेक में काम किया? दोस्तों आई इन विच ऑफ द एलियट्स पोएम डिड ही एक्चुअली एक्ट एज अ माइनर रोल इन द रिमेक ऑफ अ प्ले. एंड द राइट आंसर गाइस, यह रिमेक ऑफ द प्ले में दोस्तों मर्डर इन द कैथेड्रल के रिमेक में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एस वेडनेसडे के कुछ जो अंश थे यूज किए गए थे. यस आई, व्हाट हैपेंस टू टेस इन द टेस ऑफ उर्व विलेज गाइस? हार्डी की दोस्तों टेस ऑफ द उर्व विले में अंत में टेस के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए सी बिकम्स क्वीन, सी गोज टू यूएसए, सी बिकम्स ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सी इज हैंग्ड. इसको शुरू करते हैं, व्हाट हैपेंस टू टेस इन टेस ऑफ द उर्वा विले, सी बिकम्स क्वीन, सी गोज टू यूएसए, सी बिकम्स अ ग्रैंडमदर. और दोस्तों हम सब जानते हैं कि लास्ट में एंजल क्लेयर, गाइज बड़ी अजीब कहानी है टेस्ट की, बेचारी सोचती है, एंजल क्लेयर को सोचती है कि वो स्वीकारोक्ति कर रहा है, मैं भी कर लूं, मामला बिगड़ जाता है. एंजल क्लेयर कुछ दोनों के लिए बाहर चला जाता है दोस्तों. जब लौट के आता है तब तक ये शादी कर चुकी होती किससे, मजबूरियों में किससे, एलेक्स से. दोस्तों जब एंजल क्लेयर आता है फिर से पुराना प्यार जगता है दोस्तों, और एंजल क्लेयर से मिलने के लिए दोस्तों मार देती है किसको, एलेक्स को, और उसकी वजह से दोस्तों उसे फांसी की सजा दी जाती है. डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर. इसको क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज वेसेक्स टेल्स पब्लिश गाइस? हार्डी की कहानियों का एक बहुत तगड़ा कलेक्शन है, इट्स कॉल्ड वेसेक्स टेल्स. ये कब पब्लिश किया गया? 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1928 में गाइस? व्हेन द वेसेक्स टेल्स वाज पब्लिश्ड? इसको इसको दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेसेक्स टेल्स शुरुआत में सिर्फ 5 कहानियों के साथ में आया, और इसका पहला जो पब्लिकेशन था वो 1888 में आया गाइज. उसके बाद इसे कई बार 1896 में कई बार रिवाइज भी किया गया गाइज,
और यह बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कलेक्शन है कहानियां बढ़ा करके दोस्तों 1912 में, ज्यादातर हम इसके 1912 वाले एडिशन में आएंगे क्योंकि पहली बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पहली बार इसे 1888 में पब्लिश किया गया था गाइस। इसको क्वेश्चन नंबर इस, हु इज जूड फॉलेज कजिन इन जूड द ऑब्स्क्योर। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, याद करिए जूड फॉले की कजिन कौन है, किसमें दोस्तों, जूड द ऑब्स्क्योर में, जूड फॉलो का दोस्तों कजिन कौन है। आई मैंने आपको दोस्तों एक पूरा नॉवेल पढ़ाया गया है, इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसे उत्तर की। यस, हु इज जूड फॉलेज कजिन इन जूड द ऑब्स्क्योर, मैरी चैन, टेस डर्वीफील्ड, अरवेला, शिव ब्राइडहेड। तो हम सभी जानते गाइज उसके जिसके वो प्यार में पड़ा होता है, शिव ब्राइडहेड इज द राइट आंसर। डी फॉर आर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइज, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच पोएम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद द नेपोलियन वॉर्स। दोस्तों हार्डी का कौन सा पोएम कलेक्शन नेपोलियन वॉर्स के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए द ग्रेव बाय द हैंड स्पॉट हैंड पोस्ट, अ चेंज मैन, द डायनेस्ट, एंटर अ ड्रैगन। इसको हार्डी की दोस्तों कौन सी पोएम या कौन सा वर्क, आप यहां पे पोएम के बजाय शायद वर्क ज्यादा सही होता। यस, विच वर्क ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद नेपोलियनिक वॉर्स। दोस्तों हम सभी जानते हैं उनका जो तीन पार्ट में दोस्तों जो उनका एपिक ड्रामा, इट वॉज कॉल्ड डायनेस्ट, यह नेपोलियन वॉर को दिखाता गाई, जिसमें धुआंधार कोरस का यूज किया गया गाई। इसको क्वेश्चन नंबर 13, विच वॉज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवल गाइज, याद करिए थॉमस हार्डी का पहला नॉवल कौन सा था। यस, हम सब जानते दोस्तों उनका वह पहला नॉवल कभी पब्लिश ही नहीं हुआ, बाद में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट को भी उन्होंने जला दिया या फेंक दिया गाइज। कौन सा हार्डी का पहला दोस्तों नॉवल था इसको, और हम दोस्तों इसको पहले ही जान चुके हैं, उनके पहले नॉवल का नाम था दोस्तों द पुअर मैन एंड द लेडी। बिल्कुल सही गाइज, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर, जबरदस्त गाइज, इन विच ईयर हार्डी अनाउंस दैट ही वुड नॉट राइट फिक्शन अगेन। दोस्तों दोस्तों लगभग कब हार्डी ने यह अनाउंस किया क्या कि अब वो दोबारा फिक्शन नहीं लिखेंगे। दोस्तों गेस करिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1940, 1928, 1912, 1996 गाइज है। आइए इसको शुरू करते हैं। इस ये मजेदार बात है दोस्तों, शुरुआत में हार्डी के नॉवेल्स, शुरू में दोस्तों कुछ नॉवेल्स को बहुत ही रिकॉग्नाइज नहीं किया गया दोस्तों, कुछ को तो डायरेक्ट, जैसे दोस्तों द ओल्ड मैन एंड द लेडी, दोस्तों द ओल्ड मैन एंड द पुअर मैन और लेडी, दोस्तों अभी अपने नॉवेल देखा तो आपको जान का आश्चर्य होगा, इसको किसी पब्लिशर ने पब्लिश ही नहीं किया। बीच में दोस्तों बहुत टूट गए थे, 1896 के आसपास दोस्तों बहुत ही टूट गए थे हार्डी, और उन्होंने कहा वो दोबारा कभी नॉवल लिखेंगे ही नहीं गए। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, जबकि दोस्तों बाद में ऐसा नहीं हुआ। आई, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ अ पंपलेट सेली अथर्ड दैट गॉट हिम एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। दोस्तों क्या एक पंपलेट जो सेले ने लिखा जिसकी वजह से दोस्तों उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, मेरे बच्चों वह पंपलेट किस कंटेंट पर आधारित था। ऑप्शन ए एथिज्म, बी सेक्स, सी ड्रग्स, डी हेडोनिज्म। और गाइस जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, यह उन्होंने 1811 के आसपास लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और उसकी वजह से दोस्तों लोगों को पता, यद्यपि उन्होंने इसमें अपना नाम नहीं डाला था, पर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज ने पता कर लिया कि इसमें सेले का हाथ है, और इसलिए उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। सो द राइट आंसर गया, जिसकी विषय वस्तु क्या थी, एथिज्म। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आइए, सेलेज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम इज टाइटल्ड एट व्हाट। दोस्तों सेले की अंतिम कविता जो बहुत ही विशाल और बहुत ही दमदार कविता है उनकी, अधूरी रह गई, वो कौन सी है।
उसका नाम क्या है, ट्रम्प ऑफ लाइफ, ट्रम्प ऑफ फैंटेसी, ट्रम्प ऑफ रोमांस, ट्रम्प ऑफ डेथ। तो सेली की दोस्तों अनफिनिश्ड पोएम का नाम क्या है, आपको वर्ड का सिलेक्शन करना है। सेलीज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम इज टाइटल्ड एज द ट्रम्प ऑफ व्हाट, लाइफ, फैंटेसी, रोमांस, डेथ। और हम सभी जानते हैं गाइस इसका उत्तर है ट्रम्प ऑफ लाइफ। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वाज सेले डिनाइड कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज फॉलोइंग हर डेथ। दोस्तों क्या मैरिज मैरी, दोस्तों मैरी गॉडविन से शादी करने के बाद, दोस्तों जो पहली शादी उनकी थी दोस्तों, उनके बच्चों से, दोस्तों उनके बच्चों की कस्टडी उन्हें क्यों मना कर दी गई। ऑप्शन ए, हिज रिलेशनशिप विद मैरी गॉडविन, हिज एथिज्म, हिज लैक ऑफ स्टडी इनकम, हिज ओपियम एडिक्शन। दोस्तों तो दोस्तों कहानी किसकी थी, हैरियट वेस्टब्रुक की। तो उनके बच्चों की कस्टडी देने से इन्हें क्यों मना कर दिया गया। दोस्तों सेले पूरे जिंदगी दोस्तों पैसे ले लेकर घूमते रहे, काफी पैसे उनको मिले ही नहीं दोस्तों, काफी पैसे लोगों ने बीच में खा लिए और बड़ी स्थिति दोस्तों गंभीर रही। सेले की इनकम इतनी ज्यादा कम थी दोस्तों कि उनकी पहली बीबी के बच्चों की कस्टडी उनको देने से मना कर दिया गया गाइस। एंड द लाइक राइट आंसर इज लैक ऑफ स्टडी इनकम, उनके पास कोई दोस्तों सही इनकम का स्रोत ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, Which, what did Byron try to rescue from Sally's funeral pyre? तो ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है। तो सेले के डेथ जब हुई, तो जो उनकी फ्यूनरल पायर थी दोस्तों, वहां से उनके शरीर से क्या चीज थी जो लेने की या बचाने की कोशिश की किसने, लॉर्ड बायरन ने गाइस। पहला, हिज इंडेक्स फिंगर, अ लॉकेट कंटेनिंग अ स्ट्रैंड ऑफ मैरिज हेयर, His wedding ring, his skull, जबरदस्त गाइस। सेले के डेथ के बाद लॉर्ड बायरन ने उनकी कौन सी चीज बचानी चाहिए गाइस, जबरदस्त। दोस्तों मैरी गॉडविन के बालों का एक स्ट्रैंड था दोस्तों उनके पास, और लॉर्ड बायरन ने जब सेले की डेथ हुई वो उनसे लेना चाहा गाइस। एंड द राइट आंसर इज अ लॉकेट कंटेनिंग अ स्ट्रैंड ऑफ मैरिज हेयर, डीप बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइस। इसको क्वेश्चन नंबर 19, हु इज मेडलिन सूटर इन द एव ऑफ सेंट एग्निस। दोस्तों कीट्स की पोइम ऑन द एव ऑफ सेंट एग्निस गाइस में जो मेडलिन का प्रेमी है उसका नाम क्या है दोस्तों, मार्कस, पोरफायरो, ग्लैडस्टोन, मर्क्यूसियो। आपको बताना है दोस्तों, मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई है ऑन द एव ऑफ सेंट एग्निस में दोस्तों, मेडलिन के प्रेमी का नाम क्या है। तो हम दोस्तों इसको पढ़ चुके हैं और वो कोई और नहीं दोस्तों, इट इज पोरफाइल। यस बिल्कुल सही आपने कहा है, बीफ बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 20, हु इज प्रेइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एव ऑफ सेंट एग्निस गाइस। याद करिए सेंट एग्निस के शुरुआत में कौन प्रेयर कर रहा है। ऑप्शन ए, चर्च गोवर्स ऑन संडे, अ नन, अ प्रिस्ट, अ बीट्समैन। आई हो जाएगा ये, अगर आप जबरदस्त पढ़े दोस्तों पूरी पोएम एक एक लाइनें पढ़ाई हैं तो एक बार उत्तर बताएंगे। सेले के दोस्तों पोएम एव ऑफ सेंट एग्निस की शुरुआत में दोस्तों कौन प्रेयर कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें इंग्लैंड में एक अजीब पोस्ट होती है बीट्समैन की दोस्तों, जिसका काम होता है बीट्स दोस्तों वो माले की मनका होती है जो माला हम जपते हैं। तो मरे लोगों के लिए चर्च में प्रार्थना कराने का सिस्टम होता है, जो सुबह शाम उनके लिए प्रार्थना करता है उसे हम बीट्समैन कहते हैं। एंड द राइट आंसर डी, याद करिए दोस्तों पोएम एक बार, यस करें हाँ सर हमें याद आ गया है। याद करिए दोस्तों शुरुआत में द वीट्स मैन को दिखाया गया, उसके बाद मेडलिन और पोरफायरो की कहानी दो तीन स्टेंजा बाद आती है। शुरुआत होती है वीट्स मैन से जो मरे लोगों की कब्र के आसपास प्रेयर करता है दोस्तों। आई यस आई होप यू अंडरस्टैंड, यस राइट, कंफर्म करें खास कर समझ गए हैं, पढ़ाया हुआ है दोस्तों पूरी पोएम पढ़ाई है आपको, टेक्स्ट बहुत पढ़ाया है मेरे बच्चे। 21, What happens, याद करिए दोस्तों, what happens to young virgins as described in the Eve of Saint Agnes? दोस्तों क्या Eve of Saint Agnes के दिन दोस्तों फास्ट रखने वाली या रिचुअल को परफॉर्म करने वाली
कुमारी लड़कियों को के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए, दे हैव ड्रीम्स ऑफ देयर फ्यूचर हस्बैंड्स, दे रिसाइट पोएम्स, देयर पेरेंट्स ट्रीट देम टू अ सेलिब्रेशन, दे गेट मैरिड। आइए दोस्तों याद करिए, कहानी के अनुसार दोस्तों, जैसे आप पोएम में दिखाया गया, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में लिया गाइस, मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट सच अ डिटेल। तो वास्तव में इसमें ये दिखाया गया है कि जो लोग रिचुअल परफॉर्म करती दोस्तों, बिना देखे मंत्र जपना, आपने देखा है दोस्तों, उन्हें अपने फ्यूचर के प्रेमी या हस्बैंड की एक झलक दिखती है सपने में। एंड द राइट आंसर गाइस, ए फॉर अमेरिका, यस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, Who helps Porfiro in the Eve of Saint Agnes, guys? Porfiro को दोस्तों बेड चैम्बर तक, याद करिए दोस्तों, Porfiro पहुंच जाता है बेडरूम में किसके, मेडलिन के, तो उसको वहां तक कौन पहुंचाता है? सर ली हंट पहुंचाते हैं, एंजेला द ओल्ड मेड पहुंचाती है, प्रोमिथियस पहुंचाता है, या ब्रूनो पहुंचाता है दोस्तों? याद करिए, Who helps Porfiro in the Eve of Saint Agnes? सर ली हंट, एंजेला, द ओल्ड मेड, प्रोमेथियस या ब्रूनो? दोस्तों मैंने आपको पोएम पढ़ाई है, याद करिए दोस्तों, एक खिड़की के आसपास छुपा रहता है दरवाजे के पीछे, और अंधेरे में इसकी मुलाकात होती है उसकी नौकरानी ओल्ड मेड से दोस्तों, जिसका नाम है क्या, एंजेला, और वो इसे ले जाती है सबकी नजरों से बचाते बचाते उसके बेडरूम में। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइस। को आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज Porfiro हाइड इन द ईव ऑफ सेंट एग्निस गाइस? याद करिए, ईव ऑफ सेंट एग्निस में दोस्तों कहां पे छुपा रहता है? याद करिए दोस्तों, उसके बेडरूम में जाके कहां छुपा रहता है कौन? Porfiro, अंडर अ टेबल, अंडर अ बेड, आउटसाइड अ विंडो, इन अ क्लोजेट। यहां इन होना चाहिए था दोस्तों, इन अ क्लोजेट। कहानी के अनुसार दोस्तों Porfiro कहां छुपा रहता है द ईव ऑफ सेंट एग्निस में? गाइस मैं आपको दिखा रहा हूं, हमने इतना डीप पढ़ाया, चाहे जितना डीप क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस हिम्मत रखनी है बच्चा, सिर्फ हिम्मत रखनी है दोस्तों। हम सब जानते हैं सही उत्तर क्या है, वो एक क्लोजेट में छुपा रहता है, और जब कमरे में प्रवेश करती है मैडलिन तो उसे पता ही नहीं होता है कि वो उसके सामने खड़ा है या दोस्तों उसके यहां छुपा हुआ है। 24, व्हाट डज Porfiro सेट आउट फॉर मैडलिन इन द ईव ऑफ सेंट एग्निस? दोस्तों याद करिए, जब सो जाती है दोस्तों कौन, मैडलिन जब सो जाती है तो क्लोजेट से बाहर आता है कौन, Porfiro। तो वो क्या करता है मैडलिन के लिए? ड्रम्स बजाता है, हार की आवाज निकालता है, या एक फीस्ट करता है दोस्तों, एक दावत करता है, या फिर दोस्तों एक क्राउन निकालता है उसके लिए? गेस आई, गाइज अगर आपने पोएम दोस्तों पढ़ा, जब सो जाती है कौन मैडलिन, दोस्तों बहुत सारे मेवे, बहुत सारी खाने पीने की चीजें साथ में लेके आया होता है कौन, और सबको निकाल के दोस्तों लगाता है सजा करके कौन, हमारा Porfiro। सो द राइट आंसर गाइज, अ फिस्ट, ही मेक्स अ फिस्ट, यस सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू मैडलिन एंड Porfiro डू एट द एंड ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्निस? दोस्तों क्या दोस्तों पोएम के अंत में मैडलिन, जैसा दोस्तों कहानी में हमने पढ़ा है, पोएम के अंत में मैडलिन और Porfiro कहां चले जाते हैं? दे कंपोज अ सॉन्ग, दोस्तों उनका उनकी हत्या हो जाती है, वो भाग जाते हैं, या उनका एक बच्चा पैदा होता है? दोस्तों आइए देखते हैं पोएम के अंत में दोस्तों Porfiro और मैडलिन के साथ क्या होता है। हमने पढ़ा है दोस्तों, बहुत तूफानी रात होती है, और पहरेदारों से बचते बचते दोस्तों अर्ध रात्रि के बाद सुबह का टाइम लगभग 1:30 बजे के आसपास भाग जाते हैं दोनों के दोनों, अंधेरी रात में दोस्तों भाग जाते हैं। यस इसको, क्वेश्चन नंबर 26 आई, वेयर डज द बीट्समैन स्लीप इन द ईव ऑफ सेंट एग्निस? दोस्तों गेस करिए, जो बीट्समैन होता है, जो मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है दोस्तों, ईव ऑफ सेंट एग्निस के अनुसार वो कहां पे सोता है? ऑप्शन ए, इन अ बेड, इन अ डोरवे, इन अ प्यू, इन एस एच आई। तो जैसे दोस्तों कहानी कहती है, कहानी के अनुसार दोस्तों एज पर द स्टोरी ये बंदा कहां जाता है दोस्तों? ये चिताओं के आसपास सोता है, यहां इसका अर्थ दोस्तों, क्योंकि और बाकी वर्ड कोई सेंस दे नहीं पा रहे हैं। सो द राइट आंसर इज इन एस एच।
क्वेश्चन नंबर 27, होम डज किड्स कम अक्रॉस इन ओट टू साइकी। दोस्तों याद करिए, एकदम कहानी की शुरुआत याद करिए दोस्तों, पढ़ाया है उनके सारे वर्ड्स आपको पढ़ाया है। कहानी के अनुसार बता दोस्तों, पोयम की कहानी के अनुसार, पोयम की शुरुआत में कवि किन दो लोगों को देखता है दोस्तों, याद करिए किन दो लोगों को देखता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को किस करने के लिए किसी मैदान में किसी पेड़ के आसपास छांव के नीचे एक दूसरे पर झुके हुए हैं दोस्तों। तो ये कौन दो लोग हैं? साइकी एंड पर्सिफोन, साइकी एंड ज्यूस, साइकी एंड क्यूपिड, क्यूपिड एंड विनस। दोस्तों कहानी के अनुसार जैसा दिखाया गया दोस्तों कि साइकी और प्यार का देवता क्यूपिड दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हैं। सो द राइट आंसर इज सीफ चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर है सीफ और चेन्नई। मैंने आपको बताया साइकी एंड क्यूपिड। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट फिजिकल फीचर डू क्यूपिड एंड साइकी हैव इन द ओड टू साइकी गाइस। याद करिए दोस्तों, पहली ही दूसरी लाइन में बताता है क्या कि किड्स के इस पोएम के अनुसार उनके कुछ फिजिकल फीचर बताए गए हैं। तो वो कौन से बताए गए हैं दोस्तों? उनका विंग्स दिखाया गया है, स्लीपर्स दिखाए गए हैं, हेल्लोज दिखाए गए हैं, या बुक्स दिखाई गई है गाइस? आइए एक बार देखते हैं। और दोस्तों कहानी के अनुसार दे हैव बीन शोन एज विंग्ड। दोस्तों क्या जैसा माना जाता है, दे आर द एंजल्स, दे आर गॉड एंड गॉडेसेस, सो दे हैव देयर विंग्स टू फ्लाई। And the right answer is guys A for America. Let's go next. Question number 29. Oh, what does Psyche not lack at the beginning of Ode to Psyche? दोस्तों मतलब इसमें basically क्या दिखाया गया है इस poem में कि Psyche को अभी नया नया देवी बनाया गया है, उसका कोई पुजारी नहीं है, उसका कोई choir नहीं है, उसके लिए कोई मंदिर नहीं बना है, तो कभी काफी चीजें उसके पास नहीं है। पर कौन सी चीज है जिसको ये नहीं कहा गया है कि ये नहीं है, मतलब बोले तो कि कौन सी चीज उसके पास लैक नहीं करती? व्हाट डज साइकी नॉट लैक एट द बिगिनिंग ऑफ ओड टू साइकी। दोस्तों ओड टू साइकी की शुरुआत में साइकी के पास क्या नहीं है दोस्तों? अ टेम्पल, अ रिलीजियस स्क्वायर, अ फादर, एन ओरेकल। जैसे मैंने तो खुद ही आपको उत्तर बता दिया गया, इस पूरा का पूरा उत्तर ही बता दिया। दोस्तों कहानी के अनुसार आप समझ गए होंगे, उसके पास टेंपल नहीं है, अभी ज्यादा उसके भक्त नहीं बने हैं। रिलीजियस क्वायर दोस्तों उसके धार्मिक गीत गाने वाला समूह नहीं है, अभी कोई भविष्यवक्ता उसका ओरेकल नहीं बना है दोस्तों, पर उसके पास पिता है गाइस। सी फुचेन इज द राइट आंसर। इसको सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल गाइस। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री दोस्तों द सॉलिटरी रीपर पोएम में कवि लड़की को किस तरह से याद रखेगा जो गीत गा रही है? ऑप्शन ए, द टू विल करेस्पॉन्डेंस थ्रू लेटर्स, ही विल कीप अ स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विथ हिम, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, ही फॉरगेट्स हर द सेकंड ही लीव्स हर। यस, दोस्तों सही उत्तर बिल्कुल यही है। कुछ कहता है कि मैं अपने इसके गीत को अपने हृदय में जिंदा रखूंगा। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इसको अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच इडियम बेस्ट। आए दोस्तों कह रहा है दोस्तों, माई हार्ट लीप्स अप जो पोएम है दोस्तों, देखिएगा इसमें एकदम अलग है। कह रहा है कि जो पोएम है माय हार्ट लीप्स अप दोस्तों, उसमें नेचर के नजदीक कवि को दिखाया गया है। कुल 6-7 लाइन की पोएम है गाइस। क्या कह रहा है? माय हार्ट लीप्स अप पोएम के ओवरऑल मोटो को, ओवरऑल संदेश को किस फ्रेज में रखा जा सकता है, किस इडियम में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, स्टॉप एंड स्मेल द रोजेज, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलहिल। तो एक छोटी सी, मैं आपको पोएम का पूरा सेंस बता देता हूं। तो पोएम का सेंस है क्या कि यह रेनबो जैसे पहले था वैसे आज भी है, और मैं चाहूंगा कि मेरा आज कल जो बीता है वो तो बीत ही गया है,
मेरा आज और मेरा आने वाला जो कल है वह नेचुरल पिटी नेचर की गोद में बीते, अर्थात दोस्तों वह नेचर को प्रैक्टिकली नेचर के टच में रहे। एंड द राइट आंसर गाइस स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस, रुकिए और दोस्तों प्रकृति को एंजॉय करिए। सो द राइट आंसर गाइस यस बीप बॉम्बे इज द राइट आंसर, लेट्स गो। व्हाट आर वर्ड्सवर्थ विशेस फॉर हिज सिस्टर डरोदिन टिंटन अबीगाइल्स। टिंटन अभी पोएम में दोस्तों वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डरोदी के लिए क्या विश करते हैं या क्या वो क्या चाहते हैं कि ऐसा भविष्य में हो। ऑप्शन ए सी विल मैरी अ रिच मैन, सी विल अप्रिसिएट नेचर मोर देन सी ऑलरेडी डज, सी विल रिमेंबर देयर टाइम टुगेदर एट टिंटन अबी, विल हैव चिल्ड्रन सो ही कैन बी एन अंकल। सो शुरू करते हैं। What are Wordsworth wishes for Sister Geraldine Tintern Abbey? दोस्तों सही उत्तर यही है, वो चाहते हैं कि अगर जब वो कभी ना रहे, दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों सी कि अगर वो कभी ना रहे दोस्तों जब भी डरोदी प्रकृति की गोद में आएंगी दोस्तों तो उन्हें याद रहेगा क्या कि उन्होंने कभी कुछ वक्त, मतलब चाहते हैं दोस्तों कि यादें उनके साथ बनी रहे गाइस। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से। यस सी फिचन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेन मैसेज इन द वर्ड इज टू मच विद अस गाइस। हमने इसको पढ़ा हुआ है दोस्तों, सॉनेट मैंने आपको पढ़ाया है जो उनकी सॉनेट है क्या गाइज, द वर्ड इज टू मच विद अस, इसका मुख्य मैसेज क्या है गाइज देखेंगे। ऑप्शन ए वी आर आउट ऑफ टच विथ नेचर, वी अप्रिसिएट नेचर टू मच, पेगनिज्म इज द मेन वे टू बी इन टच विथ नेचर, आवर सोल एंड हर्ट बिलोंग्स टू नेचर गाइज। इसको देखते हैं एक बार। यस दोस्तों जैसा आप देखते हैं पहली ही लाइन कहता है बाई गिविंग एंड स्पेंडिंग बी लेवेस्ट आ पार्स लिटिल वी सी नेचर दैट इज आर्स। वो कहता है क्या कि हम शहरों के इस भूल भुलैया में गुम हो गए हैं, हम प्रकृति की तरफ नहीं देख पा रहे हैं जो कि हमारी है। एंड द राइट आंसर इज गाइस वी आर आउट ऑफ टच, क्योंकि दोस्तों नाम ये ना द वर्ड इज टू, इसका अर्थ आप ऐसे लगाओ हिंदी में कि दुनियादारी में कुछ हम ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। एंड द राइट आंसर गाइस वी आर आउट ऑफ टच विद नेचर गाइस। इसको क्वेश्चन नंबर 34 आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम और मोटिव इन वर्ड्सवर्थ वर्क्स गाइस। क्या वर्ड्सवर्थ की वोएट्री में दोस्तों किसे हम एक मेन थीम नहीं कह सकते, मतलब जो कि बहुतायत नहीं दिखता उनकी पोएट्री में गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम और मोटिव ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क्स, नेचर मेमोरी चाइल्डहुड लव। लेट्स गो। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में अबंडेंस पाया जाता है, बहुत सारी बहुतायत पाई जाती है, क्या नेचर पोएट्री, साथ ही पाया जाता है मेमोरी चाइल्डहुड की बातें, पर दोस्तों लव आपको बता दे गाइस लव पोएट्री बिल्कुल भी नहीं, मतलब दोस्तों रोमांटिक लव के बारे में नहीं लिखा है किसने वर्ड्सवर्थ ने गाइस। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फोकस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री गाइज। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का मेन फोकस इनमें से कौन सा था। पहला कॉमन पीपल, एरिस्टोक्रेट्स, क्रिश्चियनिटी, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इनमें से कौन दोस्तों वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का मेन फोकस है। विच ऑफ दीज हैज बीन द मेन फोकस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री, कॉमन पीपल, एरिस्टोक्रेट्स, नवाबी लोग, क्रिश्चियन धर्म या औद्योगिक क्रांति गाइज। हम सभी जानते हैं मेरे बच्चों क्या उन्होंने अपने 1800 के प्रिफेस टू लिरिकल बल्लट्स में कहा है लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन द रियल लैंग्वेज। दोस्तों कॉमन मैन को ही पहाड़ में रहने वाले ड्वेलर्स, रूथ सेफर्ड्स, ओल्ड हंटर्स, इन लोगों को ही उन्होंने बनाया। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हु माइट द फिक्सिशियस वुमन रिप्रेजेंट इन वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स गाइज। जैसा दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको मैराथन क्लास में बताया था वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स का दोस्तों जो काल्पनिक करेक्टर है कौन,
लूसी, वो रियल लाइफ के किस कैरेक्टर से प्रेरित हो सकता है? लूसी से, डरोदी से, एनेट से, मैरी से? आए जैसा कि दोस्तों कई बार बताया गया है कि वर्ड्सवर्थ का जो लूसी का कैरेक्टर है दैट हैज बीन इंस्पायर्ड या दैट इज इंस्पायर्ड, दोस्तों जैसा ऐसा लगता है कि जो डरोदी वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर्ड है। द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। इसको क्वेश्चन नंबर 37, जबरदस्त गाइस, बहुत ही मजेदार लाइनें हैं। द लाइन इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल कम्स फ्रॉम व्हाट वर्क गाइस? क्या एक बार आदमी प्यार कर ले फिर बिछड़ जाए ये उसकी अपेक्षा अच्छा है किसके, कि आदमी प्यार ही ना करेगा? इस बहुत ही फेमस लाइनें हैं, वेरी फेमस लाइनें हैं। इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल कम्स फ्रॉम विच पोएम ऑफ या विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, यूलिसिस, इन मेमोरियम, रोमियो एंड जूलियट? इसको तो आपको बता दे गाइज, जैसे आप जानते हैं इट कम्स फ्रॉम इन मेमोरियम गाइज, उनके उसी रचना से जो आर्थर हल्लम को डेडिकेटेड है। यस एंड वेरी ट्रू गाइज, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द लाइन, जबरदस्त लाइन है गाइज, उनकी एक बड़ी फेमस लाइन आज मिली तो ले रहा हूं। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू आर टाई। कह रहा दोस्तों क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ गाइज, यह मुद्दा नहीं है, बस करो या मरो वाली स्थिति है जीवन में। या दोस्तों उनकी किस पोएम की प्रसिद्ध लाइनें हैं? आइडल्स ऑफ द किंग, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम, आर्थर हेनरी हल्लम या दोस्तों यूलिसिस? इसको आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सब को बता दें एक बड़ी फेमस पोएम है किसकी, टेनिसन की, और उसका नाम है दोस्तों चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये लाइनें दोस्तों उससे आती है, मैं चाहूंगा इसको आप कहीं ना कहीं, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप जरूरी जो लाइनें हैं, मैं दोस्तों जैसे मैंने आपको मैराथन में दिया था जरूरी लाइनें दोस्तों लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन देखने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जरूरी लाइनों को दोस्तों खुद लिख लें, ये शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूलिसिस, आइए शुरू करते हैं। यूलिसिस अपने सेलर्स को दोस्तों आइडिया देता है क्या, कि उन्हें एक बार और निकलना चाहिए सेलिंग के लिए दोस्तों, तो इसलिए क्यों, क्योंकि दोस्तों कह रहा है अगर वो लोग यहां से निकले तो वो किससे मिल सकते हैं, एंडिमियन से मिल सकते हैं, मून गॉडेस से मिल सकते हैं, एकल्स से मिल सकते हैं, या सैमसन एगोनिस्टिस से मिल सकते हैं? यस, सो जैसा आप देखते हैं पोएम में वो कहता है कि अगर हम यहां से निकल जाए तो शायद हम एकल्स से भी मिल सकते हैं। सो द राइट आंसर सी फॉर चेन्नई, इसको आगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 40, अल्फ्रेड, उसको देखिए जबरदस्त पोएम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सेट हिज पोएम अबाउट यूलिसिस एट व्हाट पॉइंट इन द हीरोज एज गाइज, जो पोएम है यूलिसिस किसकी, टेनिसन की, वो दोस्तों यूलिसिस की किस अवस्था को दिखाते हैं, जब वो बुढ़ा हो चुका है, जस्ट बिफोर ही एम्बार्क्स फॉर ट्रॉय, इससे पहले को ट्रॉय के युद्ध पे जाते वक्त दिखाया गया है, या दोस्तों वो साइरेंस को बचा के जब निकल जाता है तब दोस्तों, या उसके इदेका से वापस लौटने की बात की कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा यूलिसिस, उनकी एक बड़ी फेमस रचना है दोस्तों, और इसमें दिखाया गया है क्या मेरे बच्चों, इसमें दिखाया गया है दोस्तों बुढ़े यूलिसिस को, जिसे और एडवेंचर चाहिए गाइस, आपने पढ़ा होगा He wants more adventure. Yes, आइए शुरू करते हैं. Okay, right. Okay.
दोस्तों राइट आंसर इज गाइज उसके बुढ़ापे को दिखाया गया, इसमें आपने पढ़ा भी है। चलिए दोस्तों आज बस मैं यही तक लूंगा दोस्तों, थोड़ा सा कवर नहीं कर पाया हूँ ज़्यादा, और मेरे बाद एलएम सर आएंगे दोस्तों पीट के आपको क्वेश्चन कराएंगे जम करके। पीटने का अर्थ था दोस्तों जम करके, हाँ पीटने का अर्थ असली पीटने वाला मत समझ लीजिएगा, आप बोलोगे सर ऐसे क्या है थोड़ा। ओके तो सर बताएं कैसा लगा दोस्तों, हाउ वॉज द कलेक्शन। और सर को दोस्तों आज 400-500 पहुंचाइए, आप लोग शेयर करते नहीं है दोस्तों, एक बार आपको देख लें कैसा रहा। यस बिल्कुल, हाउ वॉज द कलेक्शन गाइज बताएं कैसा रहा दोस्तों, बस प्रेम से पढ़ते रहिए। अभी गाइज हमारे पास या दोस्तों देखिए क, अब धीरे धीरे मैं भी खाली हो रहा हूँ, कल से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी हम लोग दोस्तों एक एक कोने में पहुंचने की कोशिश करेंगे, मैं दोस्तों एक एक कोने में कोशिश करूंगा पहुंचने के दोस्तों, एक एक कोने में। टीजीटी ओपन कर दिया, ठीक है पेपर हूँ। ओके तो कोशिश की जा रही है दोस्तों कि एक ही कोने तक पहुंचा जाए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है गाइज, हम लोग जान लगा देंगे यूपी टीजी पीजीटी में दोस्तों, जैसे हमने टीजीटी में किया है मैं जान लगा दूंगा, आदरणीय एलएम सर भी यही करेंगे आपके लिए, हम लोग अपना भरसक प्रयास करेंगे, भागीरथ प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मैं चाहूंगा जरूर इसमें एकदम भागीरथ प्रयास के लिए हम रेडी हैं, और मैं चाहूंगा दोस्तों सभी लोग आराम से। यस यस बिल्कुल, चलिए आपके थोड़ा कमेंट देख लो। ओके बिल्कुल सर पीजी मिलेंगे मिलेंगे, बढ़ाइए मत, पीजीटी के भी पॉइंट्स मिलेंगे, लगा हुआ हूँ इकट्ठा, बस एक दो दिन में टीजीटी से खाली हो जाऊँ फिर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, घबराइए मत, हम लोग अच्छा खासा कवर कर लेंगे। दो तीन दिन छुट्टी लूंगा, पीठ के पॉइंट्स बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल दूंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दूंगा, बस पढ़ते रहिए मस्त रहिए। चलिए मैं आदरणीय एलएम सर को बुला रहा हूँ, एंड ही विल रिज्यूम फ्रॉम हियर, जम करके पढ़िए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं पीजीटी संडे स्पेशल बाय एल एम मिश्रा, और आइए मैं आपको प्रवक्ता के यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के एपिसोड में ले चलता हूं, और वहां से बहुत सारी चीजें हम कुछ सीखेंगे हमेशा की तरह। सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई वुड लाइक टू टेक योर सम कमेंट्स। देखो संख्या कम नहीं होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि बीच बीच में मैं आपके डिमांड्स को लूं, व्हाट वर यू डिमांडिंग, क्या चाहते हो, आपकी कोई डिमांड है कोई चीज है तो मैं तो उसके लिए संख्या मेंटेन करनी पड़ेगी, और संख्या मेंटेन करें आप ठीक ठाक, संख्या मेंटेन करें आप। मुझे मालूम है जो टीजीटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे क्विट हो जाते हैं क्योंकि प्रवक्ता के प्रश्न, बट ऐसा नहीं है, कई चीजें होती हैं जब हम सिर्फ स्टडी से ज्यादा दूसरे का लेक्चर सुनते हैं तो हमको याद रहता है, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। संख्या लगातार कम क्यों कर रहे हो, कि मैं यहीं से बंद कर दूं फिर जाऊं बाय बाय बोलकर, एक बार शेयर करो फटाफट, आप लोग शेयर करो। अभी क्वेश्चन नंबर 30 में मैं आप लोगों को, जब 30 प्रश्न हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के कमेंट्स लूंगा, फिलहाल मैं शुरू करता हूं। हमारे पास 60-65 क्वेश्चन है मिनिमम, और एक घंटे का टारगेट है। चलो चलिए जल्दी आए, चलिए दोस्तों तो हम शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न ले चलता हूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न, नॉट अ वर्जिन और अ रूपी वॉज सेफ इन हिज रीम, उसके राज में न तो कोई वर्जिन सेफ है और न ही धन यानी कोई एक रुपया सेफ है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे आप,
आप गेस करें, ए ऑप्शन प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द डेथ ऑफ अ हीरो, द ओल्ड मैन एंड द सी, या द सेवन समर्स। चलो देखें इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलो कोशिश करें आप, जल्दी करें। चलें दोस्तों, देखें ए बी सी डी में सही आंसर क्या दोस्तों, देखें आप सही आंसर दें। बहुत इजी आंसर है, इसको हमने ऐप में कवर किया है, सारे क्वेश्चन को भी कवर किए हुए हैं। ए फॉर एप्पल द राइट आंसर, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द काउ है तो सब मुल्क राज आनंद के, अभी हमने स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न को मुल्क राज आनंद पर, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, अभी कुछ 5 to 6 क्वेश्चन मुल्क राज आनंद पर रहेंगे, उसके बाद मैं राइटर आपको बताता चलूंगा, तो आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। चलो तो अभी एक एक क्वेश्चन पर हम जाएंगे तो टाइम लगेगा हमेशा में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करवाता हूं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस करने से, ज्यादा पॉज करने से स्टूडेंट्स नहीं पॉज हो पाते, चले जाते हैं। तो बस वन लाइनर लेते चलो भैया, मुल्क राज आनंद के वर्क है, द ट्रबल विद लिबरल डेमोक्रेसी That it takes a long time to nature is a line from ऊपर वाली लाइन भी the private life of Indian prince थी और नीचे वाली लाइन भी the private life of Indian prince थी। चलो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अभी मुल्क राज आनंद पर जिनको इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, इनकी थीम थी पावर्टी, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें थी इनके वर्क में, और नेसेम एजेकेल के वर्क में एलियनेशन था, और कमला दास के में कॉन्फेशन था, इसलिए उनको कॉन्फेशनल पोएट कहा जाता है। द बिगर अ सिटी इज, देखिए ये लाइन कहां की है, द बिगर अ सिटी इज द मोर क्रुएल इट इज टू द सन्स ऑफ एडम, यू हैव टू पे इवन फॉर द ब्रीथ दैट यू ब्रीथ। ये लाइन कहां की है, मुल्क राज आनंद के ही वर्क की है, और ये लाइन दोस्तों कूली जिसमें प्रोटैगनिस्ट होता है मुनु, और 1937 में यह मुल्क राज आनंद का सेकेंड नंबर का नोवेल था, और इस नोवेल को पिकारस नोवेल भी कहा जाता है, जिसमें एक ट्रेजिक थीम होती है, प्रोटैगनिस्ट मारा जाता है, दूसरी मर जाता है, और एक ये पिकारो शब्द स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है, तो ये पिकारस नोवेल है, सेकेंड नोवेल है, 1936 में आता है, 1935 में अनटचेबल आता है, और 1936 में कूली आता है, 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड आता है, जिसमें ठीक है गंगू रहता है प्रोटैगनिस्ट। तो इसमें फिलहाल कूली में मुनु है, 1936 में आया, पिकारस नोवेल है, मुल्क राज आनंद का है, तो मुल्क राज आनंद पर चल रहे। तो जैसे ऑप्शन आप देखते हैं तो वैसे ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें दोस्तों, मतलब कि यहां पर और भी कितनी असिस्टेंट चीजें निकल सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है दोस्तों, मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड नेक्ड, मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड नेक्ड, ध्यान देंगे, मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड नेक्ड एंड गोज आउट ऑफ इट नेक्ड, इंसान खाली आता है खाली चला जाता है, एंड ही डजंट कैरी हिज गुड्स अवे, अपने साथ कोई सामान दूर नहीं ले जाता, ऑन हिज चेस्ट हिज वेस्ट ट्रैवल लाइट इज, ये लाइन कहां की दोस्तों बता सकते हैं मुझे, पिकारस नोवेल कुली की है। आइए चलो देखते हैं दोस्तों,
अभी फोर क्वेश्चन को हमने कवर किया, आप नोट करते चलेंगे, मैं अभी स्पीड पकड़ूंगा, फिलहाल समझते हुए चले आप। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, अ रोड टू परफेक्शन इज पंक्चुएटेड बाई पिटफॉल्स इज अ लाइन, ये लाइन कहां की है, द रोड टू परफेक्शन इज पंक्चुएटेड बाय पिटफॉल्स, ये लाइन कहां की है, पता, ये भी कुली की है। अब समस्या ये आती है, जो हम कॉमन क्वेश्चन प्रकाश पब्लिकेशन या दूसरी बुक्स रट लेते हैं तो उसमें अंदर तक हम नहीं जा पाते। आपको तैयारी करने के लिए टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है दोस्तों, पीजीटी के एग्जाम में डिटेल में जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आयत अगर आप हमारे फ्रेंड्स हैं तो मैंने इसका पीडीएफ आपको बकायदे दिया हुआ है, 50 मोर देन क्वेश्चन स्पेशली ऑन अ पर्टिकुलर नोबेल अबुल क्रॉस आनंद एज वेल एज बाई अदर राइटर्स आइदर इंडियन और अमेरिकन, जो भी मेरा पोर्शन रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं, द पिकनिक डे, ध्यान देंगे इस पर, ये टर्म को देखेंगे, मेंशन इन द पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ये पोएम है दोस्तों, ये कमलादास का। अब हम कमलादास पर आ चुके हैं, तो ये कहां की बात है दोस्तों, जब वो टूर की बात करते हैं उनके सर और चिल्लाते हैं तो कमलादास खड़ी रहती है, इसको हमने कवर किया है, तो वो जो है गुस्सा हो जाए रोने लगती है, तो बचपन का उन्हें वाकया याद आता है, कमलादास एक दिन इस पर पोएम लिखती है, तो द पिकनिक डे, पिकनिक की बात थी, तो ये मेंशन होता है दोस्तों पनिशमेंट इन किंडरगार्टन में, जो विक्टोरिया गार्डन्स पर बिताया गया था, ये पोएम है, दिस इज अ पोएम बाय कमलादास। आई इंडियन राइटर्स पर हमारी चर्चा है, तो पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, कमलादास यानी जिनको कॉन्फेशनल राइट पोएटस कहा जा पोएट कहा जाता है, तो इन पर फोकस करेंगे, देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलंकली, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, द अबव लाइन से बड़ी फेमस लाइन है दोस्तों, हमने कवर किया हुआ है, इसमें बताया गया है क्या उनकी आवाजें, उनका दुख है, विलाप है, देयर सॉन्ग्स मेलंकली, ये दुख उनके गीत जो हमको अच्छे लगते हैं उनका विलाप है, दे सैंग फॉर लवर्स डाइंग, वे गीत क्यों गाते हैं, लवर्स डाइंग, प्रेमियों जो जो प्रेमी मर जाते हैं, मरते हुए प्रेमियों के लिए गाया है, या उन बच्चों के लिए गाया है जो अनबॉर्न है ना, अनबॉर्न उनको लिफ्ट कर दिया जाता है, और एक प्रकार का उनका दुख है, और तब तक नाचते हैं जब तक उनके पैरों से ब्लड नहीं आ जाता, उसी यूनुक को बेस्ट माना जाता है, तो द डांस ऑफ द यूनुक्स है दोस्तों, इसको हमने कवर किया हुआ है ना, तो लाइंस आपको याद रहनी चाहिए, ए यहां पर सही आंसर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। सेवन पर आएंगे, लाइफ इज क्वाइट सिंपल नाउ, जीवन अब बहुत ही सरल है, लव ब्लैकमेल एंड सॉरो, ये तीन शब्द और जुड़े गए, तो ये लाइन कहां की है दोस्तों, लाइफ इज क्वाइट सिंपल नाउ, लव ब्लैकमेल एंड सॉरो, देखेंगे, चलो आइए, चलिए तो चलते हैं, देखो ये दोस्तों ये है पोएम, ये फेमस लाइन है दोस्तों, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की लाइन है, सब्स्टिट्यूट की फेमस लाइन है। आइए क्वेश्चन नंबर एट तक हम लोगों ने कवर किया, अभी दो तीन प्रश्न और होंगे, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमन, इसमें बहुत ही उन्होंने चीजों को ओपनली, इनकी पोएम का दोस्तों जो थीम होता था लव बिट्रेल सेक्सुअलिटी और फेमिनिज्म, स्त्रीत्व कामुकता और धोखा,
स्त्रीत्व, ये इनकी काव्य शैली का मेन मटेरियल हुआ करता था। तो कहते हैं कि गिफ्ट ह्यूम एक औरत होने के नाते, क्योंकि मेल डोमिनेंसी में इन्होंने देश को कैसे देखा है और सोसाइटी कैसे रही है हमारे इंडियननेस की, इंडियन नेशनलिटी की, तो इन्होंने फटकार लगाया एंड वी कैन से दैट शी हेटेड मेल डोमिनेंसी, पुरुष प्रधानता से इनको नफरत थी। तो कहते कि स्त्रियों के लिए कि हिम उस पुरुष को अब गिफ्ट कर दो जो चीज तुम स्त्री बनाती, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर की खुशबू, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, जो चीज मतलब एक कामुकता में आती है। ये फेमस लाइन है दोस्तों, बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है द लुकिंग ग्लास की, और बहुत ही इस पर ओपन बात की इन्होंने, पर्सनल एक्सपीरियंस को, रिलेशन को, सेक्सुअलिटी को बहुत कुछ एक तरीके से दिखाया है, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना, तो एक पेन के रूप में दिखाया है। व्हाट वाज द रियल प्लाइट ऑफ द इंडियन वीमेन ड्यूरिंग दोज डेज, दैट वाज द रियल एक्सपेरिमेंटल, हैज बीन शोड दैट कंडीशन थ्रू द पोएम। सो लुकिंग ग्लास ए फेमस पोएम है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हाउ मेनी चैप्टर्स द नैरेट आमीस, कमलादास ने, अब ये प्रश्न बहुत अंदर से लिया दोस्तों मैंने, ये लाइन से प्रश्न कभी क्वेश्चन से मैं बहुत कम लेता हूं, हमेशा प्रश्न बनाता हूं, स्कैन नहीं करता या टाइप नहीं करवाता, प्रश्न मैं मैटर को अंदर से करता हूं, क्योंकि और जैसे प्रवक्ता अभी टीजीटी का तो टेस्ट नहीं हो पाएगा, अगली बार से प्रवक्ता का चलता रहेगा, मैराथन भी मैं लूंगा इस पर, तो कल से ही मैं 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना चालू कर दूंगा, 5-7 क्वेश्चन जब भी मिलता है, क्योंकि एक प्रश्न आप सेलेक्ट करते हैं पता नहीं कितने गहराई से, और वही फंसने का कारण बनता है। ठीक है, हाउ मेनी चैप्टर्स दैट नरेट आमीस कम, यानी आमी, इन्होंने एंटे कथा जो इनका पहला वर्क था मलयालम में, एंटे कथा, एंटे मतलब आत्म, खुद, इंग्लिश में बाद में इन्होंने माय स्टोरी करके दिया, तो आमीस में इनका जिक्र होता है, कमलादास का नया नाम है, यानी ठीक है, तीन नाम है आपको सबको मालूम है, तो ये चौथे नाम का जिक्र होता है। तो अब ध्यान देंगे, माधवी कुट्टी, कमलादास, कमला सुरैया, ये चौथे नाम का जिक्र है, बहुत कम जानते हैं, नोट करेंगे। तो इसमें माय स्टोरी में दोस्तों कुल कितने चैप्टर्स है, मेरा प्रश्न ये है, लेकिन आप और भी चीजों को देखें तो इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कुल 50 चैप्टर्स, ध्यान दें 50 चैप्टर्स हैं, और इनके चाचा नालापत और मम्मी इनकी बालमणि अम्मा वर द फेमस ऑथर्स इन लोकल लैंग्वेज, आई मीन मलयालम के जाने में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एसेंस ऑफ पोएट्री और राइटिंग वॉज देयर इन हर ब्लड। और जब छोटी 6 साल की थी तभी से इनके अंदर एक मतलब एक पोएम को इन्होंने कन्वर्ट किया था, लिखा था, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, प्रोफेशनल। और एंटे कथा दुनिया की नामी गिरामी 20 से ज्यादा भाषाओं में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और इनका वर्क कैनेडियन कैनेडियन यूनिवर्सिटी में भी इनके वर्क चलते हैं, क्योंकि वहां पर ये विजिटिंग प्रोफेसर मतलब ऐसे गई थी, घूमा इन्होंने। मेरे एक भैया हैं, वो हैं, वो साइंटिस्ट हैं कनाडा में, एक क्या बोलते हैं टोरंटो पर, जहाँ सब ज्यादा ओंटारियो टोरंटो पर ही इंडियन रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो गए थे, तो एक दिन कलेक्शन देख रहे थे, उनके नाम का स्पेशल इंडियन जब राइटर्स की बात करते हैं तो लेबोरेटरी में स्पेशल इनका स्पेशल कलेक्शन रखा हुआ है, इनकी बड़ी सी पोर्ट्रेट के साथ। तो कुल मिलाकर देश दुनिया में इनके वर्क को पढ़ा गया है, ठीक है। तो अपने आप में एक इनकी स्टडी को कल्चर के रूप में माना गया, जो आने वाले स्कॉलर्स के लिए एक बड़ा एक एक्सपीरियंस मिलता है इंडिया को पढ़ने का, समझने का। आगे बात करेंगे तो आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड टू अ मिडिल एजेड क्वीर, द अबव लाइंस आर फ्रॉम, I have lost my best friend to middle-aged queer. इसका ये कहां की है दोस्तों, ये लाइन्स आपको बताना है। तो ये लाइन्स है दोस्तों कंपोजिशन की,
चलिए 11 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके। चेंज इज द परमानेंट एंड रियल बट द डांसिंग मोमेंट्स ऑफ किस आर रियल टू। ये फेमस लाइन दोस्तों कहां की है? ठीक है, अब हम आ चुके हैं दोस्तों, अब हम आ चुके हैं निसिम एजिकेल पर। चेंज इज द परमानेंट एंड द रियल बट द डांसिंग मोमेंट्स, तो ये लाइन कहां की है दोस्तों? टू सर्टेन वे, टू सर्टेन वे बी। तो कमला दास, पहले मुल्क राजन को कवर किया हमने, कमला दास और निसिम एजिकेल पर चल रहे हैं हम यहां से, तो इनके कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं। निसिम एजिकेल वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, निसिम एजिकेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। चलिए, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, आपके पास ऑप्शन है। चलिए, आइए, चलिए इसका आंसर दें। देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों का आपको बखूबी आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पार्ट वन दैट साइज निसिम एजिकेल अवॉर्डेड, इनको क्या मिला? साहित्य एकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री, तो सीरियली, सीरियल से इनको बताना है। तो ए पहला ऑप्शन 1993, यानी पहला साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए ऑप्शन है, दूसरा है पद्मश्री के लिए ये 1998। तो वन और टू, ये ऐसे ऑप्शन चलेंगे हर एक में, तीनों में ऐसे ऑप्शन चलेंगे वन और टू। तो बताना है ए सही है कि बी सही है कि डी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1993 में और पद्मश्री मिला था 1998 में। तो ए यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है, ए फॉर एप्पल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बात करें। मॉडर्न आर्ट इन इंडिया एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, ये एक प्रकार का एसे है क्रिटिसिज्म पर निसिम एजिकेल के द्वारा, जो कब अपीयर होता है? आपको सही आंसर देना दोस्तों 1970 में, 1970 में। इन पर कोई गेस वर्क नहीं चलता है, जब ईयर डेट की बात आती है तो कोई गेस नहीं चलता है, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए, रट्टा मारना है। साहित्य को साहित्य के रूप में पढ़ने का समय नहीं है, रट्टा मारने का समय है, ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निसिम एजिकेल ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू पोएट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। इन्होंने चूंकि जीवीएस मराठी स्पीकिंग फैमिली से थे, वेने इजराइल फैमिली को टाइटल मिला था, यहूदी हैं, तो निसिम एजिकेल ने जवाहरलाल नेहरू की पोएट्री को इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, सिंस ही वॉज बोर्न इन अ मराठी स्पीकिंग जेविस फैमिली, सो ही न्यू वेल हाउ टू स्पीक मराठी, है ना। तो ये कब की बात है, इनकी पोएट्री को इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू की पोएट्री को इन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया, 1976 की बात है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, अब अभी निसिम एजिकेल पर ही चर्चा चल रही दोस्तों। एजिकेल अर्न्ड हिज बीए इन लिटरेचर, इन्होंने बीए की डिग्री अर्न की दोस्तों कब? 1947 विल्सन कॉलेज मुंबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, 1946 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, 1947 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, या खालसा कॉलेज अमृतसर। अब बताएं, ए यहां पर सही आंसर है,
ए यहाँ पर सही आंसर 1947 विल्सन कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो कॉलेज का हिस्सा था वहां से उन्होंने ये किया। चलो तो 16 का सबको दिख रहा होगा ये ऑप्शन 16 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं दोस्तों 17 में आते हैं। पेन वॉज फ्रॉस्ट, अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब हम अमेरिकन राइटर्स पर आ चुके हैं दोस्तों, अब हम अमेरिकन राइटर्स पर आ चुके हैं, ठीक है अमेरिकन राइटर्स पर अब हम लोग आ चुके हैं, ध्यान देंगे। ये प्रश्न बुक से आपको जो प्रकाश या उसकी बुक से है रंजीत सिंह की, उससे आपको जल्दी नहीं मिलेगा प्रश्न, क्योंकि ऑथेंटिकली पर्टिकुलरली मैं क्लियर करके उनको लेता हूं छांटता हूं। When was first named poet laureate, इनको नाम कब पड़ा, तो पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट बताओ, ये कब की बात है, जुलाई या जनवरी या सितंबर, अलग अलग डेट दिया हुआ, अलग अलग ईयर दिया हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर है ए जुलाई 22nd 1961 को इनको पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट दिया जाता है। फ्रॉस्ट इज अ बिग नेम अमंग द अमेरिकन राइटर्स एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स हु अचीव्ड मोस्ट ऑफ द लिटरेरी डिग्री एंड अवार्ड्स। इफ यू टॉक अबाउट पुलिट्जर प्राइज ही वॉज गिवन 4 times, इनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है 1924, 1937, 1931 और 1937। तो ये बड़ा नाम है अमेरिकन पोएट्री में और अमेरिकन राइटर्स के बीच। When was Frost invited by the American President John F. Kennedy? ये प्रश्न मैंने बहुत बार कवर किया है और लगभग ये प्रश्न ठेका ले लिया है हर एक कमीशन, हर एक आयोग के द्वारा हर बार आने का इसका अपना ठेका हो गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इनको एक पोएम के इनॉग्रेशन के दौरान, उद्घाटन के दौरान उसका विमोचन करने के लिए, पढ़ने के लिए बुलाया था। वो पैट्रियोटिक पोएम थी जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है, और इसके इनॉग्रेशन में वो दिया हुआ है, इसके इनॉग्रेशन में इन्होंने बुलाया था, ठीक है। ये बात है दोस्तों ऑन 20th January 1961, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर ए सही है। चलो आइए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और 1942 में ये पोएम जो है 36 में ये पोएम सबसे पहले पब्लिश होती है, 42 में सबसे पहले पोएम दोस्तों ये 1942 में पब्लिश होती है। ये पैट्रियोटिक इस पोएम की थीम है दोस्तों, पैट्रियोटिक यानी जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं द गिफ्ट ऑफ ट्राइड की। अब फर्स्ट ये पब्लिश हुई थी 1942 में, तो ध्यान देंगे यहां से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट अवार्डेड विद कॉन्ग्रेशनल गोल्ड अवार्ड, मैंने बताया था ट्रिक करके, तो फ्रॉस्ट को कॉन्ग्रेशनल गोल्ड अवार्ड, ठीक है, तो बताएंगे इसको ये सही आंसर कब है दोस्तों, क्या है इसका, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको यहां पर, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है फ्रॉस्ट के नाम में कांग्रेस में गोल्ड, मैंने याद कराया था ऐप में, ठीक है, कांग्रेस में गोल्ड फ्रॉस्ट का नाम लेकर, तो आपको ऐसे कुछ चीज याद रखना है। 1961 इनके अवार्ड को मैंने याद कराया था, कुछ ट्रिक दिया था, तो ऐसे ट्रिक आप यहां पर अपनाएंगे। कांग्रेस में गोल्ड, तो कांग्रेस में गोल्ड का मतलब है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, में मतलब मेडल ना, कांग्रेस गोल्ड में ऐसे करना है, थोड़ा उल्टा कर दिया था मैंने। तो बहुत सारी चीजें हैं,
कांग्रेसनल गोल्ड में, यानी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये चीजों को याद करने का एक ट्रिक है, आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 40 से ज्यादा लिटरेरी डिग्रीज और अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए, तो सबको लर्न करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ को तो बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं, कुछ को बाय ट्रिक। चलो, तो अब क्या होता है, हर बार बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। अब हर बार इंपॉर्टेंट तो नहीं पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट का बाकी साइड पोर्शन भी आपको देखना है। कम टू द नेक्स्ट, फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड इन आइए 1892 लॉरेंस हाई स्कूल, 1895 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 1890 ऑक्सफोर्ड, या इनमें से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन सही है, ध्यान दें, ए ऑप्शन सही है। चलो, देखेंगे इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए, क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट्स अबाउट देयर इन द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, इफ दिस अनसर्टेन एज इन विच वी ड्वेल वर रियली एज डार्क एज आई हियर सेक्स टेल एंड आई कन्विंस्ड दैट दे वर रियली सेजेस, आई शुड नॉट कर्स माइसेल्फ विद इट टू हेल्प। The above lines are from, ये famous line कहां की है आपको ये बताना है दोस्तों, ये famous line कहां की है, तो ये famous line है the lesson for today, A option, the lesson for today, A the right answer for this question, तो यहां पर A option है दोस्तों। चलो, 21 हो गया, 21 के बाद आगे आते हैं, and were an epitaph to be my story, I had have a short one ready for my own, I would have written of me on my stone, I had a lover's quarrel with the world। ये famous line कहां की है, the lesson for today की ही famous line है। ये famous line कहां की है, ध्यान देंगे, the lesson for today की ही famous line है। तो दो क्वेश्चन द लेसन फॉर टुडे से था। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। फॉरगिव ओ लॉर्ड बाय माय लिटिल जोक्स द एंड आई विल फॉरगिव दाई ग्रेट बिग वन ऑन मी। तो इस लाइन को आपको बताना है दोस्तों, आप देखेंगे, ठीक है, अगर बात की जाए तो देखो, फॉरगिव ओ लॉर्ड, आप समझे, अब आप ऑप्शन का मिलान करें तो आप चीजों को समझ जाएंगे, आप ऑप्शन का मिलान करें खुद ब खुद समझ जाएंगे। चलिए, तो आप चीजों को समझ जाएंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही चल रहा है अभी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जब राइटर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर यू ओ लॉर्ड आप समझ गए होंगे, ये लो। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है इसको देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। आवर लाइफ रन्स डाउन इन असेंडिंग ऑफ द क्लॉक, द ब्रुक रन्स डाउन, ध्यान देंगे, इन सेंडिंग अप आवर लाइफ, द सन रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द ब्रुक and there is something sending up the sun। ये famous line कहां की है, मैंने आपको शुरू में इशारा कर दिया था, ये famous line कहां की है दोस्तों, देखें आप, west running brook
इज वन ऑफ द वेरी फेमस पोएम्स. चलो आए दोस्तों, देखते हैं. अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है, आप क्वेश्चन को नोट करते चले. अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही बात चल रही है, ठीक है. अभी किसी हम दूसरे राइटर पर नहीं आए, जैसे राइटर आएगा मैं आपको बताऊंगा. और ये कलेक्शन है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएट्री का कलेक्शन है 1928 का. तो ये भी यू कैन से अ बिग इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल. एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखते हैं, शायद अभी और होंगे वर्ड्सवर्थ उस पर, फ्रॉस्ट पर. इन थ्री वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग, इन थ्री वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्न अबाउट लाइफ, इट गोज ऑन. ये कमेंट किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है. चलिए, तो 25 क्वेश्चन हो चुका. मैंने कहा था 30 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो कमेंट्स लूंगा, तभी 5 क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. और मैं चाहूंगा कि एक बार इसको आप शेयर कर दें, ठीक है, इसको शेयर करें, ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले सबको. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में. क्या कहता है? व्हाट डिड अमेरिकन सिविल वॉर ब्रेक आउट? ओके, अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ दोस्तों? अब हम धीरे से जानकारी लेंगे दोस्तों. अब हम आ रहे हैं इसके बाद, शायद वॉल्ट व्हिटमैन को हम लोग शामिल करें, अमेरिका राइटर. तो व्हाट डिड अमेरिकन सिविल वॉर ब्रेक आउट, ये दोस्तों अप्रैल 12, 1961. ऑप्शन ए द राइट आंसर. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. तो कई बार हम अंदर से क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नहीं लेते और क्वेश्चन को ऊपर ऊपर स्किप कर लेते हैं, स्पीडली रिवाइज कर देते हैं. दैट इज नॉट अ गुड थिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट फॉर अ बेटर कंप्यूटर. द बेटर कंप्यूटेशन दैट इज विलफुली यू शुड गो टू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट. लाइटली यू कांट प्रिपेयर द क्वेश्चन, इफ यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन बट यू कांट अचीव द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो नीड टू एंटर टू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट में यानी उस प्रश्न की, उस विषय वस्तु की अवधारणा को आप गहराई से लें, ठीक है. अब तो ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू का समय है, लेकिन ध्यान देंगे 50 या 100 क्वेश्चन पीजीटी कंप्यूटर के लिए वो अच्छा नहीं है. इसलिए लड़कपन वाला काम ना करें, चीजों को विधिवत करें, ठीक है. चलो, और ज्यादा ज्यादा समय आप स्टडी को दें, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है. ध्यान दीजिएगा, चार रात चार दिन में पांसा पलटा जा सकता है. अभी टीजीटी के समय है, पीजीटी के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन चेंज योर सेल्फ, से वंस आई एम द चेंज एंड रियली यू विल चेंज योर सेल्फ. ही वॉज द पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म. वो पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म है. किसको पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म कहा गया? ध्यान देंगे आप, अमेरिकन ऑप्टिमिज्म और प्रैग्मेटिज्म. एंड दोस्तों, द रैप्सोडिस्ट ऑफ आवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, द अनएबेस्ट सेलिब्रेंट ऑफ द सेल्फ एट होम इन एन ओपन डायनेमिक यूनिवर्स. यहां पर किसकी बात की जा रही है? ध्यान देंगे, यहां पर किसकी बात की जा रही है? वॉल्ट व्हिटमैन या इमर्सन या थोरो या इमिली डिकिन्सन. तो यहां पर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है. चले, वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन ए ऑप्शन सही है. यहां पर ध्यान देंगे, ए ऑप्शन सही यहां पर, वॉल्ट व्हिटमैन. कंप्लीट द फॉलोइंग. चलो, वॉल्ट व्हिटमैन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों. देखिए, एक लाइन है, कोटेशन है, आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है. आई हेयर अमेरिका सिंगिंग इज, तो स्पेस है और लिरिक. तो यहां पर आपको सही आंसर बनना है, ठीक है. एमोरस है, मिस्टिक है, रिवोल्यूशनरी है, पेट्रियोटिक है,
तो आप इसका सही ऑप्शन दें, ए फॉर एप्पल, पैट्रियोटिक। ओके, 30 प्रश्न के बाद मैं आपके कमेंट्स लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। ड्रम टैप्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन इज अ कलेक्शन ऑफ, ड्रम टैप्स जो दोस्तों एक पोएम का कलेक्शन है, ठीक है, ये किस चीज का कलेक्शन? पैट्रियोटिक पोएम्स है इसमें कि वॉर पोएम्स है, सोशल पोएम्स है, पर्सनल है, पॉलिटिकल है, किस तरह की है? ज्यादातर पोएम दोस्तों इनकी वॉर पोएम्स ही है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए, सीक्वल टू ड्रम टैप्स भी है, डिटेल हमने कवर किया हुआ है पिछले एपिसोड में, हम लोगों ने कवर किया, इसलिए जो प्रश्न मैं जिस एपिसोड में कवर करता हूं, बेहतर है कि एवरी टाइम वी शुड ट्राई टू गेन द न्यू इंफॉर्मेशन, अपडेटेड, नॉट अबाउट द रिपीटेड। तो उन चीजों को पढ़ें, वैसे 2-4-5 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग एपिसोड में इन सबको कलेक्ट कर लें, डाउनलोड कर लें स्पीड से ही सही, लेकिन आप देखें तो जरूर, ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी। और भी आपको जहां से लगे आप देख सकते हैं, बशर्ते हमारा उद्देश्य है आप नॉलेजेबल बने और कॉन्सेप्ट में सही वे पर आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। बीइंग एट एनी प्रॉब्लम, डू गूगल, डू कंसल्ट योर टीचर, ठीक है, अपने फ्रेंड से, और क्विज वगैरह को थोड़ा सा बंद करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, एमसीक्यूज को के रूप में रिविजन आप करते रहे। फिलहाल 30 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या है? आई एक्सेप्ट रियालिटी एंड देयर नॉट क्वेश्चन इट, मैटेरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट इन बीइंग, ऐसा किसने कहा था? ऐसा भला कौन कह सकता है वॉल्ट व्हिटमैन के अलावा? ऐसा भला कौन कह सकता है वॉल्ट व्हिटमैन के अलावा? अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं कमेंट सुनूंगा आप लोगों के, ठीक है, मैंने कहा था कि मैं कमेंट्स लूंगा आप लोगों की, तो आई एम रेडी टू टेक योर रेस्पेक्टिव कमेंट्स एंड आई वॉन्ट दैट यू शुड पास योर कमेंट्स, और देखते हैं क्या स्कोरिंग की आप लोगों ने, व्यूवर्स कितने हैं, देखता हूं आप लोगों का क्या सपोर्ट है, नहीं तो फिर लास्ट तक मैं कमेंट्स लूंगा भी नहीं, अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। चलो बहुत कम व्यूवर्स हैं, इतने कम व्यूवर्स क्यों है भाई? आई डोंट वॉन्ट टू टेक योर कमेंट्स बैड इंप्रेशन, नो, अब कमेंट नहीं लूंगा आप लोगों के, है ना। आप पता है आधे घंटे में पूरा पेपर लेना चाहते हो, आप तो चाहते हो ना कि 126 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़े, बस 125 क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। यू डोंट वांट टू स्टडी एनी वन सिंगल क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन, जो 125 क्वेश्चन से आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, मुझे मालूम है। आप इसको शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और व्यूअर्स की तादाद बढ़ाएं, इट्स अ बैड इंप्रेशन। चलो एक बार इसको शेयर करें। When was Hemingway awarded Nobel Prize in Literature? Ernest Miller Hemingway को Nobel Prize Award कब मिला था? ध्यान दें, 10 December 1954 को। इन चीजों पर मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता, डेट वाइज में डिस्कस करने का कुछ नहीं होता, अगर पोएम है कुछ अवार्ड है तो उन पर एक बार हम कर सकते हैं, लेकिन जहां डेट वाइज की बात है तो वहां पर एग्जैक्ट आपको याद करना है और कोई गेस वर्क नहीं चलता। गेस वर्क तभी चलता है जब आप याद क्यों और उन चीजों को रिवीजन करें, तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप चीजों को, ठीक है। व्यूअर्स बहुत कम है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, चल इसको फिनिश करते हैं फिलहाल जल्दी। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने सुसाइड किया था, कमिटेड सुसाइड कब किया था मालूम है आपको? 2 जुलाई 1961 को अपने शॉर्ट गन से इन्होंने सुसाइड किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज हेमिंग्वे अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कब मिलता है? बात यह है, इनको ध्यान देंगे,
1951, 1952 या 1953, 1954? 1953 सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर है। चलो मैं चाहूंगा कि इनको वन लाइनर बनाकर आप लोग क्वेश्चन को नोट करें और एक बार शेयर करें, ठीक है? चलो, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन फिलिप रॉलिंग, हु इज द प्रेस रिपोर्टर इन स्पेन। ही इज लव विद एन अमेरिकन गर्ल नेम्ड डोरोथी ब्रिजेस। इट इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। ये कहां की बात है दोस्तों? ये हेमिंग्वे की किस वर्ग का की लाइन है, मैटर है? तो द फिफ्थ कॉलम, ए ऑप्शन। मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट स्टडी आपको देता था, हमेशा क्वेश्चन का साइड पोर्शन भी देता था, लेकिन आपकी तादाद देखकर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ, ठीक है? एक बार आप इसको करो, शेयर करो। दिस इज द स्टोरी ऑफ द लिक्वर स्मगलर हैरी मॉर्गन हु शिप्ड कॉन्ट्राबैंड फ्रॉम क्यूबा टू फ्लोरिडा। यहां पर एक स्मगलर की कहानी है, मॉर्गन नाम होता है, हैरी मॉर्गन। ये कौन से कहानी में इसका जिक्र होता है? टू हैव एंड हैव नॉट, टू हैव एंड हैव नॉट, ए इज द राइट आंसर। चलो आते हैं 36 की ओर। इफ यू वी विन हियर वी विल विन एवरीवेयर। ये इसके पहले भी इस कोटेशन को मैं बता चुका हूं, अगर आज हम यहां जीत जाएंगे तो कल हम जहां भी रहेंगे वहां जीत जाएंगे। द वर्ल्ड इज फाइन प्लेस, ये संसार अपने आप में बड़ा अच्छा स्थान है, एंड वर्थ द फाइटिंग फॉर, और हम लड़ने के योग्य हैं कंपटीशन करने के, एंड आई हेट एवरी मच टू लीव इट वेरी मच। और जो लोग इसे छोड़ देते हैं, मैं मतलब मुझे नफरत है कि क्यों लोग छोड़ देते हैं, संघर्ष से बाहर हो जाते हैं। ये फेमस लाइन है, फॉर होम द बेल टॉल्स। आई हैव कवर्ड दिस इन ऐप, चंद्रा ऐप पर इसमें मैंने इसको कवर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। टुडे इज ओनली वन डे इन ऑल द डेज दैट विल एवर बी। ये भी प्रश्न कोटेशन मैंने कवर किया इसके पहले दो बार। But what will happen in all the other days that can depend on what we do today? कि आज का दिन तो अकेला है, लेकिन सभी उन दिनों के बराबर जो आएंगे, क्योंकि अगर आज अच्छा है वर्तमान, तो फ्यूचर भविष्य भी अच्छा होगा। But what will happen in all the other days, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? The ever come can depend on, लेकिन ये डिपेंड करता है आज के दिन में आप कैसा करोगे। If you making your present well, your future will be made by you better automatically. No need to think about your future. Never regret about your past. Never imagine about your future. Just focus to your present. Because the present is such a stage that will give you present. Present ही ऐसा एक समय है जो आपको present यानी उपहार देगा। तो भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही तो अपना है। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या? बहुत ही अच्छा आंसर है, फॉर हूम द, वहीं से है, फॉर हूम द वेल टॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई फॉकनर। अब हम विलियम फॉकनर पर आते हैं, विलियम फॉकनर पर आते हैं दोस्तों। चलिए विलियम फॉकनर पर आते हैं। फॉर हुम द बेल टॉल्स, विलियम फॉकनर, विलियम कथवर्ड फॉकनर के वर्क पर आते हैं। इनमें से कौन सा वर्क विलियम कथवर्ड फॉकनर का है? फॉर हुम द बेल टॉल्स है तो हेमिंग्वे का है, अभी हमने कवर किया, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का, ठीक है? चलो आंसर क्या है? द साउंड एंड द फ्यूरी, इसको हमने कवर किया हुआ है, ऑप्शन डी सही है। इसके पहले मुझे लगता है इसको मैंने कवर किया है। चले आगे चलते हैं दोस्तों। फॉकनर द साउंड एंड द फ्यूरी वॉज, फॉकनर का एक वर्क है, नोवेल है, द साउंड एंड द फ्यूरी। ये कब पब्लिश होता है?
1929। और सबसे बड़ी बात है कि इनके वर्क्स में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा और सस्पेंस बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर बहुत ज्यादा, सस्पेंस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, कहानी तीन स्टेज में चलती है, एक वर्तमान पर चलती है दो स्टेज में, एक प्रेजेंट और दूसरा फ्लैशबैक, यानी कहानी पास्ट में जाती है। तो इस तरह से सस्पेंशन है इनकी कहानियों में। चलिए, हाउ मेनी पार्ट्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी डिवाइडेड, साउंड एंड द फ्यूरी की को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप बताएं इसका सही आंसर। फोर। इन्होंने एक फिक्शनल कंट्री का नाम है यूकना पाटुआ, जिन्होंने इसको बाद में रिनेम करके जेफरसन नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह के जब व्हेन अ राइटर टेक्स अ सिटी और द रीजन और द एरिया पर्टिकुलरली, सो दैट कंडीशन दैट थीम इन लिटरेचर इज नोन एज द रीजनलिज्म, उसको हम साहित्य में रीजनलिज्म कहते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। When does the Thompson family reside in the Sound and the Fury? जिसमें शराबी बाप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो Thompson family reside in the Sound and the Fury, 41 का क्वेश्चन है। तो ये जिक्र है दोस्तों जेफरसन मिसिसिपी, जेफरसन मिसिसिपी, डी ऑप्शन यहां से ध्यान देंगे, जेफरसन मिसिसिपी की बात, ठीक। तो हमारे पास 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए, ऑफ व्हाट क्राइम इज क्विंटिन अक्यूज्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी, इसमें कौन सा काम वो करती है, ठीक है, इसमें कौन सा काम करती है। ऑफ व्हाट क्राइम इज क्विंटिन अक्यूज्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी, किडनैपिंग अ चाइल्ड। आगे आते हैं, आगे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्सन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, कॉम्सन फैमिली की मदर का क्या नाम होता है, ठीक है, इन द साउंड एंड द फ्यूरी में। तो कैरोलिन, डी ऑप्शन में आएंगे, डी ऑप्शन आएंगे, डी ऑप्शन में कैरोलिन सही आंसर है। फॉकनर का जो लास्ट नेम है, फॉकनर का ओरिजिनली उसकी स्पेलिंग क्या है, जिनको बाद में एक उपाधि टाइप दी गई, तो जो ओरिजिनल नेम है वो उनके पिताजी के नाम पर है, एफ ए एल के एन ई आर, यू ये बाद में जुड़ा गया था, पिछले एपिसोड में इसका जिक्र आपको डिटेल बताया था, ठीक है। चलो 45। When work, which work of William Faulkner is also known as the Boy Ambition? कौन सा वर्क इनका, विलियम कथवर्ड फॉकनर का, अब बॉयज एम्बिशन के नाम जाना जाता है। चलो एब्सोल्यूम, एब्सोल्यूम जिसमें थॉमस शुप्टन की कहानी है, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, से पहले दौरान और बाद की कहानी है, थॉमस शुप्टन की कहानी है, जो थॉमस शुप्टन जो एक तरह से प्रोटैगनिस्ट रहता है, सेंट्रल किरदार रहता है। Which was Faulkner's last novel? Faulkner का last novel क्या दोस्तों? The Wild Palms, The Hamlet. देखो Hamlet Shakespeare का, लेकिन The Hamlet एक story है William Faulkner की। ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि Hamlet coding में पूछ लिया जाता है, कूट में, matching वाले में, ठीक है। ऐसे Wordsworth का एक work है Prelude, The Prelude, Preludes है द प्रिल्यूड्स, तो ये अलग अलग पूछा जाता है, तो यहां पर कोडिंग यानी मैच मिसमैच का विशेष ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो जो लास्ट एंड का द रिवर्स, चलो आगे आते हैं दोस्तों। चलिए, और ये आया कब दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने इसको बताया था, ये 1962,
4 जून 1962 को यह पब्लिश हुआ था। विलियम फॉकनर का लास्ट नोबेल है दोस्तों द रिवर्स, और पहला है द सोल्जर्स पे, द सोल्जर्स पे ध्यान देंगे, द सोल्जर्स पे। क्लास आरती सर पहले ले गए, बस 10 मिनट लगेगा। आप जैसा आदेश करें। अरे यार मैं आ रहा हूँ भैया, 10 मिनट रुक जाओ बाबू, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट मालिक। अरे यार कब तो मुलाकात होगी मेरी, हाँ अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे। तो आज मुलाकात ना हो फिर, ठीक, ओके वेलकम। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, देखो प्रश्न आ गया। हैमलेट वॉज रिटन बाय हैमलेट, शेक्सपियर की ट्रेजेडी का की पहली ट्रेजेडी मानी जाती है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हुकम, हुकम, ये सीक्वेंस चलता है। लेकिन द हैमलेट किसने लिखा, तो विलियम फॉकनर ने लिखा, इनकी स्टोरी है। द हैमलेट में विलियम फॉकनर अमेरिकन राइटर का नाम आता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री, इनमें से कौन सा जॉन कीट्स की पोएट्री का कैरेक्टर नहीं, सैटायर, हेलेनिज्म, नेगेटिव कैपेबिलिटी या सेंसुअसनेस। 48 की बात करते हैं तो सही आंसर है दोस्तों सैटायर। अब मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जॉन कीट्स की पोएट्री का कौन सा पार्ट नहीं है, तो सैटायर नहीं, ध्यान देंगे। मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोज अनहर्ड आर स्वेटर, ठीक है। ये प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक बार इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार देखें आप। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये अर्न है, ध्यान देंगे। चलो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। It is true that almost no substantial comedy was written during the Romantic period. It is time that almost no substantial comedy was written during the Romantic period. 50 question number का सही answer दें, इसमें क्या है, ये comment false है, ठीक है, या true है, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कुछ नहीं है, ये comment सही है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो कमेंट सभी लेते हैं, लास्ट में संख्या देकर तो नहीं लगता, मैं कमेंट से लूंगा। द फोर एजेस ऑफ पोएट्री वॉज एन अटैक ऑन, ये लिटरेचर से बड़े ही यूनिक क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। द फोर, और आप देखें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को कर पाए, आप अपने को आजमाइए,
कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, आप अपने गहराई को अपने डेप्थ को आजमाइए दोस्तों, ठीक है। तो द फोर एजेस ऑफ पोएट्री वॉज एन अटैक, बताएं ये रोमांटिसिज्म, तो फोर एजेस ऑफ पोएट्री ये किस प्रकार का अटैक है, यानी किस एज पर अटैक है, रोमांटिसिज्म पर, नियो क्लासिसिज्म पर, एलिजाबेथन पोएट्री पर, उस समय पोएट्री कोई मतलब नहीं था, या विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में भी पोएट्री का महत्व नहीं था, ये है रोमांटिसिज्म पर। ए ऑप्शन सही है यहां पर, देखेंगे आप। चलो 52 में आते हैं, फिच रिवॉल्यूशन, किस देश की क्रांति ने रोमांटिक मूवमेंट को बहुत प्रभावित किया, और रोमांटिसिज्म देन भी वही की है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन भी है, और रोमांटिसिज्म फ्रांस से आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और जीन जेक्स रूसो, जीन जेक्स रूसो को इसका फादर माना जाता है रोमांटिसिज्म का, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया जिसने इंग्लिश मूवमेंट को प्रभावित किया, सी ऑप्शन। और दूसरी बड़ी चीज, इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत लिरिकल बैलेड से आती है 1798 से, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलिज को इसका जनक माना जाता है। तो दोनों चीजें, रोमांटिसिज्म अलग है और इंग्लिश रोमांटिसिज्म अलग होता है, तो दोनों चीजों को क्लियरली आप समझे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। Which poet had said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling? Easy है लेकिन बहुत ही popular है। कई बार पता है क्या होता है, हम लोग आंसर को बखूबी जान रहे होते हैं लेकिन हम लोग जल्दबाजी में किसी और में टिक लगा देते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये पोएट्री पर एक तरह से जबरदस्त कोटेशन है, हु रोट द पोएट एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसका सही आंसर दें आप। चले पहली बार देखो, ग्रेव स्कूल या ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के जनक भी ये थॉमस ग्रे थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, और नेचर को फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नेचर पर, ऑप्शन ए द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, हु रोट द क्विंटेसेंस, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देता हूं, इसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था इसको। फिच मूवमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1848 में, कौन सा मूवमेंट आया था दोस्तों, अब देखेंगे, प्री राफेलाइट मूवमेंट आया था 1860 तक के 12 साल के लिए, प्री राफेलाइट, राफेल जो चित्रकार था इटली का, उससे पहले वाला जो मूवमेंट था एक आर्टिस्टिक ग्रुप था जिसमें पोएट थे, आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्चर थे, पेंटर थे, पोएट थे, बड़े बड़े कंपोजर थे, तो वो कहा गया दोस्तों प्री राफेलाइट एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, हु डज नॉट बिलोंग टू प्री राफेलाइट मूवमेंट, इसमें से कौन प्री राफेलाइट मूवमेंट से नहीं बिलोंग करता है, दांते गैब्रियल रोसेटी आते हैं, क्रिस्टीना रोस्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग से नहीं आते, रॉबर्ट ब्राउनिंग से बिलोंग नहीं करते, तो बाकी सभी होते हैं इस पर, ठीक है। चलो कम आंसर हमारे पास है, कब क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लेकिन कवर करें, 4 से 5 क्वेश्चन, अधिकतम 3 से 4 क्वेश्चन बचे होंगे। हु कंपोज्ड द पोएम ब्लेस्ड डेमोजेल,
ब्लड डेमोजेल इस पोएम को किसने कंपोज किया? आपका सही आंसर आना चाहिए डैंटे गैब्रियल रोसेटी ने। डैंटे गैब्रियल रोसेटी ने क्वेश्चन नंबर ए सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। हु रोट द एसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक? 59 में आते हैं क्रिस्टीना रोसेटी। क्रिस्टीना रोसेटी बी ऑप्शन है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और लूंगा, उसके बाद समाप्त तो करूंगा। कमेंट्स तो नहीं लूंगा, कमेंट्स लेने लायक अभी संख्या नहीं है आप लोगों की, ठीक है। चलो द डेथ ऑफ द ऑथर, द डेथ ऑफ द ऑथर ये किससे बिलोंग करता है? रोजालैंड बार्थेस से, डेरिडा से, फैकॉल्ट से या एडवर्ड सेड से? अगर मैं कहूं कि चलो डी ऑप्शन, एक ऑप्शन अगर आप हटा दो लास्ट वाला तो आप किसको कर सकते हो? सी ऑप्शन भी हटा दो तो आपके पास ए और बी बचता है। नाउ कैन यू रिप्लाई मी बाय सिलेक्टिंग द राइट आंसर आइदर ए और बी? तो सही आंसर है रोलैंड बार्थेस। रोलैंड बार्थेस। क्लास को यहां से विराम देता हूं दोस्तों, ये प्रैक्टिस का सेशन एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर इन्हीं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आप सबके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। मस्त रहे, पढ़ते रहें, आप अपने क्वेश्चन नॉलेज की संख्या बढ़ाइए, व्यूवर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।